हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है निकिताज किचन फूड। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो कपकेक का वीडियो है। तो आज के वीडियो में मैं दो तरह के कपकेक बनाने वाली हूँ प्रीमिक्स का यूज़ करके, एक पाइनएप्पल कपकेक और एक जो है ये चॉकलेट कपकेक मैं बनाने वाली हूँ। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रीमिक्स से कपकेक का बैटर किस तरह से बनाना है, उसे बेक कैसे करना है और उसमें फिलिंग जो है वो कैसे भरनी है और उसे डेकोरेट कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो बाउल लिए हैं क्योंकि दो कपकेक का बैटर मुझे यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है, तो 125 ग्राम मैंने चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है और उतना ही मैं यहाँ पे वेनिला प्रीमिक्स ले रही हूँ। तो पिल्सबेरी का ये प्रीमिक्स है गाइस। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें बैटर को रेडी कर लेना है। तो जैसे हम केक का बैटर बनाते हैं गाइस, तो थोड़ा गाढ़ा होता है केक का बैटर, लेकिन कपकेक का जो बैटर है वो हमें थोड़ा पतला बनाना है। तो आगे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने हाफ कप पानी यूज़ किया है, तो देख सकते हैं आप। तो और थोड़ा मुझे यहाँ पानी लगने वाला है, तो एक टेबलस्पून पानी मैंने और डाला है। तो देखिए इस तरह का बैटर हमें बनाना है, तो ये बैटर इस तरह का होना चाहिए। अब इसमें मैं एक टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ, तो कोई भी फ्लेवर वाला ऑयल हमें यूज़ नहीं करना है। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। देखिए बैटर रेडी हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखा रही हूँ, इस तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सेम इसी मेथड से मैं पाइनएप्पल कपकेक के लिए भी बैटर रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ भी मुझे उतना ही पानी लगने वाला है, हाफ कप प्लस वन टेबल स्पून। तो उतना ही पानी डाल के हमें बैटर को बनाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हमें बैटर को रेडी करना है गाइस। तो एक साथ सारा पानी नहीं डालना है। तो देखिए थोड़ा पानी और मुझे लगेगा यहाँ पे। तो ये बैटर रेडी हो गया है, अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो इसमें भी मैं वन टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये भी बैटर रेडी हो गया है, अब इसे पाइनएप्पल फ्लेवर देने के लिए हमें इसमें पाइनएप्पल एसेंस और येलो कलर डालना होगा। अगर आपके पास पाइनएप्पल इमल्शन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैटर पूरी तरीके से रेडी हो गया है। तो हमारे दोनों बैटर जो है वो बनके रेडी हो गए हैं। तो दोनों बैटर की मैं यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कपकेक बनाने के लिए। अब यहाँ मेरे पास ये पेपर कप्स है, तो इसमें मैं बैटर डाल रही हूँ। तो जितना मैंने प्रीमिक्स यहाँ पे बनाया है, तो चॉकलेट प्रीमिक्स से 8 कपकेक बनेंगे और जो पाइनएप्पल प्रीमिक्स से बैटर बनाया है उससे हमारे 8 बनेंगे। तो टोटल हमारे 16 कपकेक बनने वाले हैं। तो बैटर हमें हाफ ही फील करना है क्योंकि हम इसे प्रीमिक्स से बना रहे हैं, हमने प्रीमिक्स यूज़ करके बैटर बनाया है, तो ये ज़्यादा फूलते हैं नॉर्मल जो बैटर हम बनाते हैं उससे। तो इसे हमें हाफ़ ही फील करना है, हाफ से ज़्यादा इसमें बैटर नहीं डालना है गाइस। तो ये मीडियम साइज़ के कप्स है, आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और बहुत छोटे भी नहीं हैं। तो सारे कपकेक में हमें इसी तरह से बैटर फील कर लेना है और इसे टैप करना है अच्छे से। तो आज मैं इसे अवन में बेक करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें टैप कर लेना है और इसे अवन में रख देना है। तो यहाँ मैंने अवन में रख दिया था इसे, तो इसे बेक करते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैंने दोनों कॉइल ऑन रखे हैं इसे, और 180 डिग्री पे मैंने 20 मिनट का टाइमर लगाया था। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो 20 मिनट में ये पूरे कपकेक हमारे बन के रेडी हो गए हैं। अब ये थोड़े गर्म हैं तो इसे ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट ये बने हैं। देखिए अब ये पूरे ठंडे हो चुके हैं, तो अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे। तो चॉकलेट कपकेक के लिए मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग में गनाज भरा है, और पाइनएप्पल कपकेक के लिए मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल क्रश भर लिया है। तो दोनों को हमें इसमें भरना है।
तो देखिए इस तरह से मैं पाइपिंग बैग से ही कपकेक में कैविटी बना रही हूँ और उसमें मैं फिलिंग भर रही हूँ। आप चाहे तो अलग से इसे कैविटी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से फिल कर रही हूँ। तो मार्केट में रेडीमेड फिलिंग भी मिलती है गाइस, तो वो भी आप खरीद के ला सकते हैं और उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ तो कपकेक में फिलिंग किस तरह से भरना है। अब पाइनएप्पल क्रश है वो भी मैं भर रही हूँ पाइनएप्पल कपकेक में, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस। तो सारे कपकेक मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी फिलिंग भर के। तो ये फिलिंग भर के हो गई है, अब इसे डेकोरेट करना है, आइसिंग करना है इसे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो नोज़ल लिए हैं, एक ग्रास नोज़ल है और एक जो है एक 1 mm नंबर का नोज़ल है। तो ग्रास नोज़ल में मैंने येलो कलर थोड़ा सा डाला है पाइपिंग बैग में, और दोनों पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम भर ली है। तो एक इसमें येलो कलर डाला है और एक इसमें मैंने वाइट ही क्रीम भर लिया है। तो मैं सिंपल सा रोज़ेट डिज़ाइन यहाँ पर बना रही हूँ। तो डिज़ाइन आपको जो पसंद हो वो आप बना सकते हैं, लेकिन जनरली नॉर्मल ऐसे ही कपकेक पे डिज़ाइन होता है, तो मैं इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने वाइट क्रीम का ही यूज़ किया है चॉकलेट कपकेक बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। अब सेम मेथड से मैं यहाँ पे पाइनएप्पल कपकेक भी डेकोरेट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ग्रास नोज़ल लिया है, आप देख सकते हैं मैंने एक साइड से ही पाइपिंग बैग में कलर डाला था येलो कलर और वाइट कलर, मैंने यहाँ पे मतलब वाइट कलर की क्रीम जो है वो भर ली है। तो एक साइड से यहाँ पे येलो कलर आया है, आप देख सकते हैं शेड आया है। तो ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगता है कपकेक में। तो बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है गाइस, तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो प्रीमिक्स से बहुत ही इजी है कपकेक बनाना, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आप ऑर्डर ले रहे हैं तो ऑर्डर के कपकेक भी आप इसी तरह से बना सकते हैं और इसे आप 30 या 40 रुपीज़ में सेल कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं ग्रास का डिज़ाइन बना रही हूँ, आप देख सकते हैं ग्रास नोज़ल से इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। तो ये भी डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे जो चॉकलेट कपकेक है उसके ऊपर मैं यहाँ पे चोको चिप्स डाल रही हूँ, तो ये डार्क चॉकलेट के चोको चिप्स है। तो इसी तरह से थोड़े थोड़े मैं डाल रही हूँ डेकोरेट करने के लिए। और जो पाइनएप्पल कपकेक है उसके ऊपर मैं मेरे पास जो कलरफुल स्प्रिंकलर है, कलरफुल शुगर बॉल्स है, वो मैं डालने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से डालना है। तो डेकोरेशन भी टोटली आपके ऊपर है, आपको जैसा डेकोरेशन चाहिए वैसा आप कर सकते हैं गाइस। तो बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, बहुत इजी है इसे बनाना गाइस, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।